राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि इस पार्टी ने सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए राजपूतों को इस्तेमाल किया है। साथ उन्होंने देश और प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि वह किसी के कहने पर लाठी तलवार और हथियार ना उठाएं, बल्कि युवाओं को सरकार से मांग करनी चाहिए कि उन्हें रोजगार दें, पुलिस और सेना में भर्ती करें और फिर चाहे सुरक्षा के लिए उन्हें हथियार थमाएं। शेर सिंह राणा ने भाजपा द्वारा राजपूत, गुज्जर और जाट समाज के लोगों के दुरुपयोग और युवाओं को बरगलाने के आरोप लगाते हुए कहा कि यह वह पार्टी है जो युवाओं को उकसाकर अपना काम निकालती है और जब वह फंस जाते हैं तो उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। काबिले जिक्र है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। इसी क्रम में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा आज पंचकुला विधानसभा और कालका विधानसभा में आगामी चुनाव को देखते हुए प्रभारी की नियुक्ति करने पहुंचे। इस अवसर पर इलाके की समस्याओं पर भी चर्चा की और आगामी चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए शेर सिंह राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए राजपूत समाज ने मेजर वोटर के रूप में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब समय आ गया है कि भाजपा को सच्चाई का सामना करवाया जाए। चुनाव में पिछले गिरा, अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव, जहां जो सत्ता पार्टी है, देश की भी बात करें और राज्य की बात करें, उन पर इस तरह के आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे हैं कि भाईचारा खराब कर रहे हैं प्रदेश में, देश में, और जो अन्य समुदाय हैं, चाहे वो धर्म है या जाति है, उनको कहीं ना कहीं खत्म करने, दबाने की भी, तो जिस तरह से गुज्जर समाज के साथ आपको भिड़ाने के ऐसे आरोप लगाए गए हैं और कैथल में लाठीचार्ज हुआ है, इन सब पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, हमारा सीधा कहना है कि सरकार जिसकी है, जिसको बोला तो जाता है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसका असली नाम है भारतीय दंगा पार्टी। पहले ये हिंदू मुसलमान का दंगा करा के सत्ता में आने की कोशिश करते थे, अब ये और निचले स्तर पे आ रहे हैं, अब जातियों में भी विभाजन करके और उनमें भी आपस में फूट डाल के अलग अलग कारणों से जो है वो दंगा और लड़ाई करवा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है देश के लिए, अगर ऐसे राजनीतिक दल जो है सत्ता में रहेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा कि नूह में भी दंगा हुआ और उसके लिए सीधा सीधा जो है जिम्मेदार, हमने ये बात पहले भी कहा था, आज भी आपसे, देश के हर युवा से एक आह्वान है कि आप अगर देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, अपने धर्म की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो आप सरकार से ये बोलिए कि आपको वर्दी पहना है। ये जो बजरंग दल, ये जो विश्व हिंदू परिषद, या ये जितने सामाजिक संगठन जो बना रखे हैं इन्होंने सरकार के जो एंगल से काम करते हैं, ये लोग अगर डंडा उठाएंगे, तलवार उठाएंगे, तो फिर लोकतंत्र में सरकार का क्या मायने रह गया? सरकार का काम है दंगा रोकना, सरकार का काम है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये इतने दुष्ट लोग हैं, दुष्ट की परिभाषा मैंने इसलिए दिया कि इनका काम है यूज एंड थ्रो करना। अब विश्व हिंदू परिषद ने साफ साफ बोल दिया कि उससे क्या नाम है वो जो बिट्टू बजरंगी से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब वो कच्छे में उसकी फोटो छपी हुई है RSS वालों के, और भी पता नहीं वो उनके हर कार्यक्रम में शामिल रहा। तो मैं तो नौजवान भाइयों से ये बोलना चाहूंगा कि जब ये तोगड़िया जी के नहीं हुए जो कि सर्वोच्च पद पे थे, जब उनको इन्होंने लात मार दी, तो जो ये डंडा ठाए जो है एक आम कार्यकर्ता के रूप में, उसको ऐसे दूध में से मक्खी से निकाल के जैसे फेंक देते हैं ऐसे फेंक दिया। तो फिर अगर आप ये सोचते हो कि आप खुद अगर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने का प्रयास करोगे तो कोई आपको बचा लेगा, या इनके आह्वान पे आप कोई दंगा फसाद करोगे तो ये लोग आपकी कोई हेल्प करेंगे? तो वो इससे सावधान हो जाएं। मैं सारे देश के युवाओं से आह्वान करता हूं, मैं शेर सिंह राणा, कि अगर आपको कोई VHP का, बजरंग दल का, या कोई भी सामाजिक संगठन का व्यक्ति, यहां तक कि हमारे समाज का सामाजिक संगठन भी, क्षत्रिय समाज का संगठन भी ये कहता है लाठी डंडे चलाओ, किसी को मारो पीटो, तो आप ये कहो कि ठीक है, लाठी डंडा चलाने के लिए पुलिस है, आर्मी है, वो वर्दी हमें पहनाओ, तब जिसको कहोगे लाठी मारेंगे। बिना वर्दी के, बिना तनख्वाह के, हम जबरदस्ती के रक्षक बनेंगे तो जेल जाना पड़ेगा,
और मैं नहीं चाहता कि समाज के युवा गलत दिशा में भटक के अपना कैरियर अपना भविष्य खराब करें। कैथल लाठीचार्ज प्रकरण पर भी, कैथल में हम लोग पीसफुली धरना प्रदर्शन, किसी ने भी कोई बदतमीजी नहीं करी, ये तो लोकतंत्र में अलाउड है। लोकतंत्र में पीसफुली आप धरना प्रदर्शन करेंगे। अब सरकार ने मन बना लिया हो कि आपको बाय फोर्स जो है आपको वहां से भगाना है, आपके साथ बदतमीजी करनी है, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा कि जो वहां पे जो लोकल विधायक हैं वो खुलेआम मीडिया के माध्यम से बोल रहे थे कि जो पुलिस प्रशासन है वो तो मेरी जेब में रखा है। तो लोगों ने कहा भाई जब इसकी जेब में रखा है तो इसकी जेब से तो निकालना पड़ेगा प्रशासन को। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि राजपूत समाज को ये आशा थी कि हरियाणा में 95% वोट राजपूत समाज बीजेपी को देता है, बीजेपी को बनाने वाला ही राजपूत समाज है, वरना हरियाणा में इसकी 5 सीट भी नहीं आती थी। तो 95% वोट दिया, इसको सत्ता में लाए, तो उनको ये आशा थी कि सरकार जिसको हमने बनाया है ये हमारे साथ जाति नहीं करेगी, हमारी बात को सुनेगी। लेकिन उनका ये जो विश्वास था सरकार ने तोड़ा है, और बुजुर्गों का भी अपमान किया गया लाठी मार के आंसू गैस छोड़ के, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा तो पहले से ही मानना था, मैं तो वहां पे जो युवा थे हजारों की संख्या में थे, मैंने उनको कहा कि भाई आप लोग यहाँ डीसी ऑफिस में ही बैठ के हम धरना करते हैं, बाहर सड़क पे जाके जहाँ कोई ट्रैफिक ना हो, जहाँ कोई प्रॉब्लम पब्लिक को ना हो हमारे कारण, ऐसी किसी जगह पर जाके बाहर बैठेंगे तो शायद थोड़ा दबाव पड़ेगा, आ जाएंगे तो हो सकता है पुलिस फोर्स यूज करे, लाठीचार्ज या वो करे। तो उन्होंने कहा नहीं, सरकार तो हमने बनाई है, हम तो एक मुश्त वोट देते हैं, तो ये हमसे कैसे ऐसा कर देंगे। तो वो विश्वास जो है उनका तोड़ दिया उन्होंने। अब तोड़ दिया है तो 2024 के चुनाव में चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, खट्टर साहब को भी घर बैठा दिया जाएगा, और लोकसभा चुनाव में भी इनको इस बार देखने में मिल जाएगा कि आउट ऑफ 10 0 होगा, वो जो आगे का डंडा है इस बार हटने जा रहा है। बिट्टू बजरंगी की जो गिरफ्तारी हुई है उसको जायज मानते हैं या नाजायज मानते हैं? बिल्कुल जायज है। जो व्यक्ति खुलेआम ये कह रहा है भाई तुम्हारा जीजा जा रहा है और ये आ रहा है वो आ रहा है, मैं तो सीधा ये कहूंगा कि दंगा भड़कने में अगर मुसलमानों का जितना रोल है उससे ज्यादा रोल तो ये बिट्टू बजरंगी का है। अगर मैं आपके घर के आगे खड़ा होकर आपको जबरदस्ती चैलेंज करूंगा तो अब फिर आप ऊपर से मेरे पत्थर मार दोगे, तो पहले तो मेरा ही गलती है ना, तो कानूनी रूप से मेरा ठीक है सर फोड़ने पे आपको तो जेल भेजा जाएगा, लेकिन मुझे भी आपको उकसाने के लिए और पूरा ट्रबल क्रिएट करने के लिए तो जेल तो मेरे को भी होनी चाहिए फिर, कानूनी रूप से भी सामाजिक रूप से भी। ब्राह्मण शमशेर कौशिक जी, हमारे ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।